हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। मैं कर रही हूँ उनका इंतज़ार। 5:30 बजे आते हैं वो। उनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है आज से, और 8 बजे सुबह जाते हैं और 12 बजे मेरा। ये और बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इग्नोर करिएगा। तो 8 बजे जाते हैं ऑफिस और 12 बजे आते हैं लंच करने के लिए। फिर 1:30 बजे जाते हैं, फिर इवनिंग में 5:30 बजे आते हैं। तो मैं थोड़ा देर आज सो गई थी। थोड़ा कभी कभी ऐसा होता नहीं, अब बारिश का मौसम रहे तो नींद और आती है। तो मेरा बेटा ट्यूशन गया था 3 बजे, और उसके बाद मैं लेट गई थोड़ा देर, और मैं और से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो वो गया 3 बजे ट्यूशन और मैं सोने चली गई थी। मैं सो के उठी, उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्रेश हुई तो मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। मैं सोच ही रही थी, तभी मेरा कोरियर आ गया। मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया है, जो अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। तो क्योंकि पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। और मैं क्या बताऊँ कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं 5:30 बजे। तो जब वो इवनिंग में घर रहते हैं, घर पे, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए चटपटा खाने के लिए। तो बहुत दिनों से बोल रहे थे मैगी बनाओ मैगी बनाओ। ऐसा नहीं है कि मैगी सिर्फ बच्चों को ही पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी मैगी बहुत पसंद है। और जब जैसे मैं बनाती हूँ उनको, वही वो सिंपल वाली जो मैगी होती है बच्चों को वो नहीं पसंद है। थोड़ी सी स्पाइसी टेस्ट होता है ना, तो उस वो वाली उनको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अभी जाऊंगी बनाने के लिए। वो भी खाएंगे, बेटी भी खाएगी। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, अभी नहीं खाती हूँ, पहले तो बहुत खाती थी। रीज़न ये हो जाता है ना कि हल्का सा भी अगर मिर्च मसाला मैं खा लेती हूँ तो पेट में दर्द होने लगती है। तो 6 महीने तक तो मुझे ये सब चीज़ जो रोकना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है मैगी खाना। और बच्चों के अभी टेस्ट शुरू हो रहे हैं 22 से, तो अभी शाम को अब सबको नाश्ता वास्ता दे दूंगी। उसके बाद फिर उन लोग को पढ़ाना तो मुझे नहीं है, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, वो बच्चे पढ़ते रहते हैं, दोनों बच्चे अपने से, और मैं साथ में बैठती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ अपना, वो लोग पढ़ते रहते हैं। क्योंकि अगर आप हट जाइए ना तो बच्चे भी अपना काम करने लगते हैं इधर उधर बात। लेकिन अगर भले ही पढ़े लिखे नहीं है गार्जियन, लेकिन साथ में बैठते हैं तो बच्चों को डर रहता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब बच्चे पढ़ें तो मैं उनके साथ वहाँ बैठूँ, मैं अपना काम करती रहती हूँ, वो लोग अपना पढ़ाई करते रहते हैं। तो उनके साथ भी बैठना है, तो उससे पहले मैं कोशिश यही करूँगी कि पहले मेरा सारा काम हो जाए, ताकि जब बच्चे पढ़ें तो मैं उनके साथ टाइम बिता सकूँ, मैं बैठ सकूँ उनके लिए। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। मैं ये बता दूं कि मैंने इसे खोल के देखा है, और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे पड़ा है 650, 650 में मुझे मिला है, और ये 18 पीस है और काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं पहले बता दूँ ना कि आखिर है क्या। तो गाइस, क्या आया है अमेज़ॉन से, ये है उसका बॉक्स। ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा है। मैंने इसे ओपन कर लिया है, क्योंकि मैं एक देख रही थी कि आखिर कैसा है। अब आप लोगों के सामने ये फिर से मैं दिखा रही हूँ। ये इस पैकेज में है और इसके अंदर भी ये पैक है, ये देखिए। अब मैं दिखाती हूँ, तो ये आया है, ये मैंने ऑर्डर करके मंगाया था। ये है एयर टाइट पेट कनेस्टर। ओके, इसको सिंपल भाषा में अगर ये कहें तो डिब्बे, किचन के लिए मैंने डिब्बे मंगाए। और
ये 18 पीस का है और सेलो का है और कांच नहीं है, प्लास्टिक का है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका साइज है, मैं साइज बता दूँ, यहाँ दे रखा है, ये देखिए। काफ़ी अच्छा इसमें मेंशन करके रखे हैं कि किस किस साइज का है। और मैं अगर ऐसे बता दूँ तो 1 kg, 1/2 kg और 100 ग्राम, राइट, वैसे ही। अब मैं डब्बे खोल के दिखाती हूँ कि कैसे है। ये देखिए, ये मुझे ऐसे मिला था। कैमरे को थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ ना, ये मुझे ऐसे मिला था। काफी अच्छा देखिए पैक है। मैंने एक ही सिर्फ ओपन किया है, ये वाला, बाकी अभी सब पैक है, मैंने खोला नहीं था। तो अभी मैं एक आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसा है ये। ओके, मैं इसे रखती हूँ दिस साइड। कैमरे की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना सही से। तो ये वो डब्बा है, ये मेरे ख्याल से वही जो मैंने बताया, ये 1200 ml का है, 1 किलो के। और काफ़ी इसकी जो लीड है ये काफ़ी टाइट है, तो जल्दी इसमें सामान खराब नहीं होगा, क्योंकि हवा लग जाता है तो सामान खराब हो जाता है, और बरसात के टाइम में तो और भी ज़्यादा सेफ्टी। लेकिन ये काफ़ी टाइट है, क्योंकि सेलो अपने में ही एक नाम है इसका, और मैंने इसके पहले भी प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ कर चुके हैं। नायसा का भी यूज़ किया है और सेलो का भी यूज़ किया, तो दोनों ही बहुत अच्छा है। तो इसकी जो डब्बे ना काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ये नहीं कि दबाने पे हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। और एक क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स रखे, ऐसे में आया था। ये सब देखने में सेम है, डिज़ाइन सबकी एक जैसी है, और काफ़ी अच्छा अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करने में थोड़ी सी टेंशन होती है कि पता नहीं कैसा आएगा और क्या आएगा, ये तो कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान हमें ख़राब मिल जाता है, लेकिन मैं यही सबको बताना चाहूँगी, अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसकी जो भी रिव्यू जो रहती है, रेटिंग जो रहती है, और उसके बारे में पूरी जानकारी कर ले, कि उसमें दिया रहता है पूरा डिटेल में, उस चीज़ को बताया जाता है कि ये क्या है, कितने ml का है और किस चीज़ का बना है, ये सारी चीज़ रहती है। आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसे सोच समझ के ऑर्डर करिए, मैं तो ये कहूँगी। और अगर इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे पहले मुझे भी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसा आएगा, आए भाई अच्छा नहीं आएगा तो क्या करेंगे, लेकिन हाँ अच्छा है और सेलो पे भरोसा किया जा सकता है। तो फिर चलिए, अब मैं चलती हूँ मैगी बनाने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और गैस पे चढ़ा दी हूँ मैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है रिफाइंड, और रिफाइंड में मैंने डाल दिया है लहसुन। लहसुन ज़्यादा महीन नहीं किया है, थोड़े बड़े बड़े रखे हैं मैंने। और इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी हूँ, और इसको मैं लाल करूँगी। अब यहाँ लाल हो गया है, मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, और टमाटर को जल्दी सॉफ्ट होने के लिए मैं इसमें हल्का सा नमक ऐड करूँगी। और ये याद रखिएगा कि मैगी मसाले में भी नमक होता है, इसलिए हल्का ही नमक डालिएगा। और मैं इसे भूनती रहूँगी जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, और तेल ना छोड़ दे टमाटर। जब तेल छोड़ दे यानी कि मसाले पूरे एकदम तैयार हो गए, टमाटर गल गए हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैगी मसाला, वो जो मैगी के साथ जो मसाले आते हैं मैंने वो ऐड किया है।
और ये ऐसे ना थोड़ा सा अजीब सा कच्चा कच्चा सा मसाला लगता है। मैं इसे भूनती हूँ अच्छे से, तो मैं इसे मसाले को भून रही हूँ और इसमें मैंने ऐड किया है शिमला मिर्च। ज़्यादा शिमला मिर्च को नहीं पकाऊंगी, बस हल्का सा उसको सॉफ्ट होने दूंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, वाइट विनेगर, और ये डाल दिया केचप। ज़्यादा मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो थोड़ा स्पाइसी रखते हैं। और मैगी को मैंने पहले ही बॉईल करके उसकी पानी निकलने के लिए रख दिया था और ठंडा हो गया, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अब मिला लूँगी। ऐसे मिलाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक से नहीं मिक्स हो पाता है, इसीलिए फोक का यूज़ करना चाहिए। और मैं यहाँ फोक से उसको मिक्स कर चुकी हूँ और यहाँ मेरा मैगी तैयार हो गया है बनके। तो फिर चलिए जल्दी गरम गरम मैगी खा लेते हैं। तो चलिए मैगी खाते हैं। अरे वाह, लैपटॉप बंद है लेकिन कान में ईयरफोन लगाया हुआ है, गाना बज रहा है। ये हम लोग के यहाँ अरे ऑटोमेटिक ऐसा कुछ है। पे अरे फिर पे ये इसका पुराना आदत पे है। हाँ, थोड़ा सा पागल लड़का है। अब इसका लैपटॉप ऑन हो रहा है। पानी पीने के लिए नहीं है क्या? ये बेटा लैपटॉप बंद करो, पढ़ाई कर लो बाबू। तुम्हारा टेस्ट है ना, तो कितने तारीख से टेस्ट है? कंटिन्यू तो तो ये गाना सुन सुन के बेटा पढ़ाई होगा। मैथ्स गाना सुन के ही होता है। ये 10th तुम ऐसे ही दोगे? हाँ मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। कौन सी बुक है बेटा? आरडी शर्मा अरे आरडी शर्मा तो है, क्या है, मैथ है, साइंस है, मैथ होता है है। ना, मैथ का एग्जाम है। तो क्या सिर्फ मैथ का ही होगा, और भी तो सब्जेक्ट का है। पहला तो मैथ का ही है ना। मेरा बेटा गाना सुन सुन के, ये आजकल के बच्चे हैं, ये 10th का एग्जाम देने वाला है। कितना अच्छा मेरा आ रहा है। आइए मेरी बेटी, अच्छी है, हेलो हेलो बोलती है, हेलो हेलो बोल के जिसु हेलो बोलो, फिर हेलो बोलो, अच्छा बाय बोलो। इसको कुछ भी नहीं आता है, फिर बोलो। तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और टाइम हो रहा है 8। वो जो लर्न करने वाला था वो लर्न कर लिए हैं, और जितना जो भी था, अब थोड़ा बहुत उनका भी होमवर्क बाकी है, तो वो लोग वो कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। हाँ, तो मैगी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।